हेलो दोस्तों, हाय, माय यूट्यूब चैनल बेबी त्रिपल जीरो में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम अभी ये बेड पे वही बैठे हुए हैं। अभी हम कहीं से आए हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और अभी आके और मैंने पंखे को ऑफ कर दी हूँ क्योंकि इसमें वॉइस आती है ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं, घड़घड़ाहट सी आवाज़ आती है। तो देख सकते हैं पसीने भी चल रहे हैं दोस्तों, और आज टाइम भी नहीं मिला था। हम लगभग 1:30 बजे फ्री हुए थे अपना काम वगैरह करके जो भी होता है, उसके बाद जो थोड़ा सा माल वगैरह बनाए थे यहाँ पर बैठ कर, देखिए अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, और थोड़े बनाए थे, ज़्यादा नहीं, उसके बाद बनाए। और दोस्तों मेरे बेटे का तबीयत खराब हो रहा है कल से बहुत ज़्यादा उसकी, और कल हम हॉस्पिटल भी गए थे उसको दिखाने, तो खास आराम नहीं हुआ है क्योंकि हम अपना मकान तो ले लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं, पर बच्चों का मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। वो लोग उदास रहते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आउट एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर वो नहीं है बच्चे खेलने वलने वाला, तो ये लोग वहाँ पे बैट बॉल कैरम बोर्ड सबके साथ खेलते थे, घूमते थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा सुनसान इलाका है, थोड़ा ज़्यादा न्यू कटिंग है यहाँ पे, तो इसीलिए बाकी धीरे धीरे लग जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चे को मन नहीं लगता है, तो बोलते हैं बच्चे मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। तो कुछ तबीयत भी कल से ख़राब हो रखी है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले लगभग गई थी, मैं रोड पे भागे भागे गई थी, वहाँ से कुछ सामान वगैरह खरीद के लाई हूँ अभी, तो सामान भी देख सकते हो दोस्तों, मैं अभी पन्नी में लाई हूँ, जो कि कुछ कुछ लोग बोले हैं ये दो खाने के लिए वो दो, और कल से मैंने ORS की घोल भी दी हूँ, उसके बाद नमक चीनी का पानी जो होता है ना उसको भी बना कर दिए हैं दोस्तों, कल से दे रहे हैं, और देखते हैं आराम हो जाएगा थोड़ा सा। और ये देखिए पन्नी में अभी हमारा पर्स भी यहीं पर है, अभी लेके आई हूँ, ये देख सकते हैं यहीं पर रख रखी हूँ, बिस्तर पर ही है दोस्तों। और ये पता चूरा लेके आए हैं, किसी ने बोले थे मुझे, जो कि चूरा देने के लिए इसको भिगो के पानी में अच्छी तरह से इसको बढ़िया से भिगो देना है, और फिर बच्चों को इसको देना है केले के साथ, ये केले भी लाए हूँ देख सकते हैं, केले के साथ मुझे देना है भिगो के, और केले के साथ है। और कुछ लोगों ने बोले नींबू देने के लिए, पता नहीं दूध में डाल के नींबू बोले हैं, पता नहीं क्या करने के लिए, तो ये देख सकते हैं मैं लाई हूँ सब कुछ, यही सब दे दूंगी। अभी तो फिलहाल मैं ये चूरा भिगोने जा रही हूँ पानी में, और ऊपर से केले और ये दोनों दे देती हूँ, देखते हैं जो थोड़ा आराम लग जाएगा तो अच्छी बात है दोस्तों। चलिए फिर इसको हम तीनों को ले लेते हैं दोस्तों, और पर्स भी ले लेते हैं, और चलते हैं ऊपर क्योंकि ऊपर ही रहते हैं ना, नीचे तो ऐसे हैं तो ऊपर ही रहते हैं, एक बार गेट बंद कर देते हैं। और दोस्तों थक जाते हैं सुबह से शाम तक करते करते, बहुत मुश्किल होता है ऊपर नीचे करते करते, सुबह से शाम तक मुझे काम करना पड़ता है दोस्तों घर का, और हस्बैंड जी को ड्यूटी भेजना, बच्चों को संभालना, बहुत सारे काम हुए हो जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए थक जाते हैं। और कंपनी का कुछ माल वगैरह आता है तो वो भी बनाना पड़ता है हमें, और बीच में बच्चों को भी संभालना, देखना, सब कुछ पड़ता है, जीवन है, संघर्ष करना पड़ेगा ना, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों। और देख सकते हैं अंधेरा है, लाइट भी नहीं हम जला रखे हैं अभी फिलहाल, तो इसको हम चलिए रख देते हैं यहीं पे, और सबसे पहले नंबर तो हम क्या करते हैं लाइट को ऑन करते हैं एक बार। हाँ थक गए, उधर का किचन का लाइट ये ऑन कर दिए, और ये गेट भी अभी फिलहाल बंद है दोस्तों, तो इसको भी खोल देते हैं, ये खोल दिए, तो देख सकते हैं अभी इधर की तरफ जैसे घर वर नहीं बना हुआ है ना, इधर बना हुआ है तो इतना जान पहचान नहीं है बच्चों को हमारे यहाँ पे, तो इसलिए धीरे धीरे होगा क्योंकि नया जगह हमारे लिए, वहां भी हम गए थे आए थे तो नया ही जगह था हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कि बिना बात किए हुए बच्चा का तबीयत खराब है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी दोस्तों, तो सबसे पहले जो है ना चूरा को ही भिगो देते हैं, एक बार भिगो के देखते हैं आराम लग जाएगा उसको। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना इसमें चूरा डाल देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं देना है मुझे, थोड़ा ही सा ही देना है भिगो के, मतलब 2-4 पर बस, इससे ज्यादा नहीं देना है मुझे, देखते हैं थोड़ा आराम लग जाएगा, भिगो दूंगी तो वैसे खराब ही नहीं करेगा ये, क्योंकि उधर हमारे इधर जो है उधर की तरफ खाते हैं, तो इसीलिए देखिए इसको जो है ना पानी में डाल दिए, और इसको क्या करेंगे 5 मिनट तक इसको जो है ना पानी में छोड़ देंगे भिगोने के लिए, और ये अच्छी तरह से फूल के मोटे मोटे हो जाएंगे ना दोस्तों, उसके बाद हम उसको देंगे। और नींबू वगैरह भी ले आए हैं उसको करने के लिए, देखते हैं अभी 5 मिनट इसको भिगोने देते हैं पानी में, एक बार धो के फेंक देते हैं, दूसरा बार भर के छोड़ देते हैं क्योंकि पेट में उसको दर्द हो रहा है ना दोस्तों, तो इसलिए
उसको पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये सब चीज लू। जैसे कि आज दिन में जो है ना खिचड़ी बनाकर दिए थे दही और खिचड़ी खाने के लिए, कल भी दिए थे हम यही चीज, और आज भी दो बार खाना दिए तो खिचड़ी और दही के साथ भी, और रात को भी यही चीज देंगे जब तक नहीं आराम हो जाएगा तब तक। तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होना तो दोस्तों अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, कुछ भी मन नहीं करता करने का। वैसे ठीक आराम हो जाएगा, बच्चों का कुछ होता है तो बहुत ज्यादा ही डर लगता है दोस्तों, मतलब कुछ भी अगर हो, कुछ भी होता है ना, तो ये दिमागे जो है ना दिमागे, ये इसमें अच्छे सोच नहीं आते, कुछ भी उल्टा ही सोच इसमें आएगा, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये चीज ऐसे फिजूल की बातें जो है ना मन में घूमने लग जाते हैं। बाकी चलिए आप लोगों से विनती है हाथ जोड़ के, जो आप लोग भी हमारे बच्चे के लिए दुआ करिए जल्दी मेरे बच्चे ठीक हो जाए बस। तो चलिए दोस्तों ये भिगोने के लिए रख दिए हैं इसको फिलहाल में, और अभी फिर हम नींबू को ले जाते हैं अंदर रख देते हैं फ्रिज में, इसको इसको देखेंगे अभी। और गए थे तो आज मंगल बाजार है हमारे यहाँ, मंगलवार को बाजार लगता है तो बस मिल रहा था तो हम ले लिए हैं। अब आगे फ्रिज में रख दिए हैं, इसको बंद कर देते हैं और उसको हम दे देंगे फटाफट से, वो खा लेगा। अभी टाइम है दोस्तों, अभी थोड़ा सा और होगा, देखिए ये देखिए ये थोड़ा सा और होगा, तो इसको अभी हम रहने देते, बाद में इसको वो करेंगे। और जब तक इसमें ज़्यादा पता नहीं कितना केला दे कितना, मुझे पता भी नहीं है, जैसे जैसे लोग कहते हैं वैसे वैसे करती हूँ दोस्तों, ये चीज़ मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने दो केला निकाल दी हूँ देने के लिए बच्चों का। अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं इसको, अभी नहीं हुआ है, 5 मिनट छोड़ देते हैं इसको होने के लिए। तो ये लगभग हो गया है दोस्तों, और मन ठीक नहीं है अंदर से बिल्कुल भी, टेंशन हो गया बहुत ज्यादा बच्चों को लेके, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। हो गया है, इसको पानी निकाल देते हैं अब एक बार। बस इसको पानी निकाल दिए, पता ना कैसे देना है ये भी पता नहीं है, इसको चीनी डालना है, नमक डालना है, क्या डालना है कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और बाकी इसको जो है ना रख देते हैं जैसे वैसे ही दे देते हैं, और केला को छील देते हैं, दो केला दे देते हैं शायद, वैसे केला तो नुकसान करता नहीं है तो इसीलिए दो दे देते हैं या तीन दे देते, पता नहीं अंदाज ही नहीं है क्या क्या नहीं। सब जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे मैं करती हूँ। दो केला छील दिए हैं, उसको दे देते हैं, कोई बात ना और खाएगा ना तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। और पता नहीं चीनी डालना है नमक डालना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों। ये देखिए ये भिगो दी है अच्छी तरह से, अब इसको जो है इसके ऊपर रख लेते हैं और ले जाते हैं बच्चों को दे देते हैं एक बार खाने के। ये भी तो नहीं है दोस्तों, जैसे कि हमारे बच्चे वीडियो में अगर हमें आते हों, कभी आप लोग देखे होंगे तो नहीं आते नहीं है वो लोग कभी, क्योंकि वो लोग सपोर्ट नहीं करते, उन लोगों को पता ये सब पसंद नहीं है ज्यादातर, कहते हैं क्या जो ये फालतू का काम है जो आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये फालतू का काम है। तो मैं वैसे भी आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार से मैं ये बहुत मतलब पहुंच चुकी हूँ यहाँ, कामयाबी तक पहुंच गई हूँ मैं, थोड़ा सा पीछे हूँ बस, ज्यादा नहीं है पीछे हूँ मैं, अब मैं 5% पीछे हूँ यहाँ पे। और ये जो आप लोगों ने प्यार दिया है ना तो उसके लिए तो थैंक यू सो मच, जैसे भी आप लोग प्यार देते हैं तो अपना प्यार जो है ना आप लोग हमेशा बनाए रखें। और हम चलते हैं अब एक बार नीचे, ये सब लेके बच्चों को दे देते हैं, नीचे ही है ऊपर नहीं आने दिए हैं उसको, इसलिए बोले ज्यादा चढ़ो उतरो मत जीना पे, तो इसीलिए। तो ये देखिए दोस्तों मैंने चूरा ले लिए हैं और केले, ये देखिए चूरा और केले दोनों चीज ले लिए हैं और जा रहे हैं नीचे, और पता नहीं चीनी या नमक कुछ डालना है या नहीं मुझे नहीं पता है कुछ भी, बाकी मैं ऐसे ही दे देती हूँ। और अगर डाउट लगेगा कुछ पता पूछना होगा तो मैं अपनी बहन से पूछ लूंगी, मेरी बहन ही बताई थी ऐसे से देने के लिए तो पेट में आराम लग जाएगा। एक बार चलते हैं नीचे फिर जो लाइट बंद कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थक जाते हैं ना ज्यादातर, तो एक बार काम वगैरह करके और नीचे चले जाते हैं तो फिर हम आते नहीं है जल्दी ऊपर, दिन में काम करके नीचे ही रह जाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं एक बार बच्चों को दे देते हैं नीचे। दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करते रहिए और साथ दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी करते हैं ना किसी को पता नहीं है, सबसे चुरा के करते हैं, किसी को पता नहीं है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है और मेरे चैनल के बारे में भी नहीं पता है किसी को भी। मैं सबसे चोरी छिपके से यहाँ पे ये चीज करती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए हूँ मतलब अपने घर की मतलब ये चीज वो चीज आप समझ ही सकते हैं, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ।
और आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे तो बहुत जल्दी कामयाबी मुझे मिल जाएगी। दोस्तों तो आ चुके हैं, तो दोस्तों हम आ चुके हैं नीचे, और ये रहा मेरा लड़का जो कि मैं दूंगी उसको अब, और उसको मैं दिखा नहीं सकती, वो कैमरा के आगे नहीं आएगा। दोनों बच्चे में से हमारे कोई भी नहीं आते हैं, तो अब देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये लाई हूँ, और ये देखिए रख दी है यहाँ पे ये, और ये देखिए आ जाओ जल्दी बाबू, क्या कर रहे हो उसको, कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए दोस्तों रख दिए हैं, अब यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, पानी थोड़ा सा दे देते हैं, वो भी पानी देंगे, नमक चीनी का घोल बना रखे है उसको देंगे, चीनी का घोल इसमें ही बहुत सारे, हम एक लीटर बना लिए, इसी में ORS का घोल घोले थे देख सकते हैं एक लीटर का, और इसी में ही वो नमक चीनी का देख चीटी कैसे लग गए इसमें देख सकते हैं आप, और यहीं पे माल भी बना रहे थे और अचानक से उठ के और जल्दी से भाग गए थे हम सामान सामान लेने। तो ये देखिए रखा हुआ है खाले, देखिए दोस्तों बच्चे मिला रहे हैं ना इसको, अब इनको खाना है, अब खा रहे हैं आराम आराम से, ये आराम से खा लो, देखते हैं दोस्तों आराम हो जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है, मुझसे बोलिए जल्दी आराम हो जाएगा वो एकदम से, इसको खा लो फिर देखना है, फिर रात को हमें खिचड़ी वचड़ी बना देंगे दोस्तों, तो बस हो ही जाएगा आराम, दे दिए हैं बाकी कुछ नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज हमें लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करिएगा आप लोग, और हाँ अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट साथ की बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है, हम बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है और हम वीडियो को बनाते हैं, और इतना भी नहीं है, फोन में से एक एक वीडियो फोटो जो भी होता है थंबनेल वगैरह सब हमको डिलीट करना पड़ता है, जो डर लगता है कहीं मतलब देखो के लिए, तो क्योंकि सबसे चोरी छिपके चलाते, किसी को पता नहीं है इस चीज के बारे में, और मैं अपनी कामयाबी तक पहुंच चुकी हूँ, भगवान करे जो मेरा जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए, और बस इसके इंतजार में है और मैं पहुंच चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हमारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर आप कर दीजिएगा, तो लव यू हमारी यूट्यूब फैमिली, खुश रहे और खुशियां बांटते रहे।